मान का ऐलान, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का भी अब बयान सामने आया है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और उन्होंने साथ ही साथ ये बयान भी दिया कि दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री का धन्यवाद। किसान भाइयों की ओर से उन्होंने ये धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि आज 3 भारत रत्नों का ऐलान किया गया है, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तीनों पुरस्कार के हकदार हैं, देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और ऐसे में समस्त किसान भाइयों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद भी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी तरफ से, सारे किसान वर्ग की तरफ से। और जो भारत रत्न दिया गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने किसानों के हित में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, स्वामीनाथन जी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी जिन्होंने देश की इकोनॉमी जो खराब थी, देश की बिल्कुल दुर्दशा थी आर्थिक, उसको सही पटरी पर लेके आए। इन 3 महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इसके हकदार थे। और चौधरी चरण सिंह को तो ये पुरस्कार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो भारत के किसानों की आवाज़ थे। ये बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति थे और सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गांव देहात से निकल कर के इस पद तक पहुंचे हैं, वो सही जो अधिकारी हैं सम्मान के, उनको ये सम्मान दे रहे हैं। मैं उनका बार बार धन्यवाद अदा करता हूँ।